बैठे हैं, कोई इलीगल डिमांड करने लेके यहाँ नहीं बैठे हुए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार ने एक लेजिस्लेचर पास किया था जिसको सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट कहा जाता है। सभी डिपार्टमेंट में इन्होंने रेगुलाइज किए हैं, इवन कि हमारे डिपार्टमेंट में टीचर को रेगुलाइज किया, सिर्फ हमें ही उसमें से छोड़ा गया है, हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं मीडिया के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि 190 दिन पड़े होते हैं यहाँ, हम जिस तरीके से हमने काटे हैं, हमें पता है ये लेडीज बैठी हैं, इनके बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को या हमारे जो नुमाइंदे उनको जरा सी भी शर्म नहीं है इस बात की, खास करके जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हमारे स्टेट के, वो इस पर मौन धारण करके बैठे हुए हैं। क्या उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया गया था कि लोगों की समस्याएं जो उनको हल ना करें और मौन धारण करके बैठ जाएं? आज हम में से एक लड़के ने यहाँ सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, पुलिस ने इस बिल को फाइल कर दिया, लेकिन जैसे कि अभी हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ अनाउंस किया कि अगली बार फीमेल करेंगी, क्योंकि जब तक हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता, सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत हमें रेगुलाइज नहीं किया जाता, हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे और ना ही हम अपने दस्तखत से नहीं उठेंगे। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice!